नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी न किसी ऐसी समस्या और ऐसी बीमारी के बारे में जो आम तौर पर हमें काफ़ी परेशान करती है, और उसमें किस तरीके से हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं और कैसे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे सामने अगर हों तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसकी जानकारी भी इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर का खास पैनल जो है वो जुड़ता है, जिसमें आपकी तमाम समस्याओं का हम समाधान ताकि हो, इसका एक प्रयास हमारा रहता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस खास संस्करण में बाल रोग के बारे में, यानी कि चाइल्ड, बच्चों से जुड़े हुए उन समस्याओं के बारे में जो बच्चों को अक्सर होती है, और खासतौर पर इस बदलते हुए मौसम में जो बीमारियां बच्चों को घेर लेती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये वो समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें, हमारे बच्चों को परेशान करती हैं, और इससे निश्चित तौर पर हम भी, क्योंकि परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो माता पिता निश्चित तौर पर परेशान हो ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे और आप भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल रख सकते हैं, और आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ अब एक खास पैनल जो है डॉक्टर्स का वो भी जुड़ेगा, जो आपके सवालों का, आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। तो आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े हुए तमाम रोगों के बारे में और ये बदलता हुआ मौसम किस तरीके से बच्चों को परेशान करता है इसके बारे में, प्रिकॉशंस क्या हों और किस तरीके से इलाज हो इसके बारे में भी बात होगी। तो बीमारियों से बच्चों का बचाव कैसे करें, जुकाम से त्रस्त व्यक्ति को बच्चों से आप दूर रखें, बच्चों को कैप पहनाएं, दस्ताने पहनाएं, मोजे पहना करके रखें सर्दियों में खासतौर पर, और गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी जो है सोते समय उनके मुंह और नाक जो है खुले रखें। जिस कमरे में बच्चे हों उस कमरे को गर्म रखें, और बच्चों को रखा हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक रखा हुआ खाना ना दें, गुनगुना उनको दूध दें, और खुद इलाज ना करें, उनको कोई भी दवाई ना दें, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि बच्चे अक्सर बता नहीं पाते हैं कि उन्हें किस तरीके की समस्या है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझना होगा और खुद से ही डॉक्टर बनते हुए उनको कोई भी दवा ना दे दें, बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ख़ासतौर पर चाइल्ड रोग, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप संपर्क करके ही उन्हें कोई भी दवा दें। इसके अलावा आप बदलते हुए मौसम में जिस तरीके की बीमारियां सामने आ रही हैं उनमें, उनसे अपने बच्चों को बचा करके रखें। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर सामने आते हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें हैं, उन वो लक्षण हैं बेसिक रूप से, लेकिन उसके अलावा जो और अगर ज़्यादा बड़े लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ज़रूर बच्चे को डॉक्टर से के पास लेकर के जाएं। तो हमारे साथ आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और कोई भी ऐसा कोई लक्षण जो आपके बच्चे में आपको लगता है कि वो ज़्यादा परेशान करने वाला है, या बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं या लगातार बीमार हो रहे हैं, तो आप अपने सवाल इस कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर ललित गुप्ता चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ, और डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर ललित, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। ये बदलता हुआ मौसम जो है ये न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ये परेशान करता ही है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन जिस तरीके से जो स्मॉग हवा में है वो भी हमें काफ़ी परेशान इस मौसम में खासतौर पर करता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर इस मौसम में, इस बदलते हुए मौसम में सामने आ रहे हैं, डॉक्टर ललित? देखिए, मैं एक मामले में सारी जो ये मौसम है, खासकर अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम होता है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोन होता है सीजनल फ्लू के लिए, सबसे पहली बात ये। दूसरा, इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें जो है मौसम में जो है ठंडक बढ़ जाती है, चेंज होता है, तो इसमें खुद भी लगा जो है हवा में मौजूद होते हैं, तो जो भी बच्चे जो प्रोन होते हैं, जो खांसी होनी शुरू हो जाती है बच्चों को, और ये जो खांसी है इससे बच्चे
बच्चे को रात में उसकी नींद में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये तो एक लक्षण है जो थोड़ा एनर्जी की वजह से है, जिनको थोड़ी सी इशू है। और इन बच्चों में आप ये देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है इनको दो तीन महीने में चार महीने में इनको जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको इस तरह की खांसी जुकाम शुरू हो जाते हैं। और इसमें खासतौर पर ये देखने को मिलता है कि ये किसी जगह इसमें फ्लू के लक्षण नहीं होते हैं, मतलब दिमाग फीवर के या बहुत माइल्ड फीवर के साथ ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और दूसरी कैटेगरी इनकी ऐसी होती है जिनके अंदर ये चीजें एलर्जी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन किसने किसी वायरल की वजह से या फ्लू की वजह से इन्फ्लुएंजा की वजह से जिनके बच्चों में तेज बुखार आता है उसके बाद जैसे ही बुखार ठीक होता है तो उनमें ये वाली जो चीजें हैं ये लक्षण इसके आने शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल उसी तरह से क्लियर अप करते हैं जैसे एलर्जी के बच्चों में क्लियर अप करते हैं। जी, तो सावधानी का अर्थ ये है कि इसमें जैसे देखा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शाम के टाइम या रात के टाइम इन बच्चों में खांसी और ये सांस में दिक्कत ज्यादा होती है जी। तो ऐसा देखा गया है कि जो अगर बच्चे क्लोज एरिया में रहते हैं जहाँ पर क्लोज एरिया है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए रात को एकदम लगा रही है और आप रुक नहीं रही है तो सांस में दिक्कत आ रही है तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये कि आप थोड़ा सा वेंटिलेट कर लें कमरे को। उसमें जैसे आप उसको वेंटिलेट कर लेंगे तो क्लोज एरिया से आप जैसे बाहर आएंगे तो एमरजेंसी का जो हटाया रहेगा आपके कम रहेगा तो धीरे धीरे रहेगा वो आपका कम हो गया है। तो जो इसमें मतलब आप थोड़ा सा जो है जिनको प्रोन है वो तो घर पे इस तरह से नेबुलाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले से पता होता है कि हमारे बच्चे को दिक्कत है तो एंटी एलर्जन इस्तेमाल शुरू से 10 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं ताकि ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें और हम बात करेंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। आसिफ है मुरादाबाद से हमारे साथ एक दर्शक। आसिफ, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी, बताएं। डॉक्टर साहब हमारा तीन साल का बच्चा है डॉक्टर साहब, वो दो तीन दिन से रो रहा है। और कोई लक्षण आप बता सकें आसिफ? डॉक्टर साहब वो बीच बीच में कभी भी रोना शुरू हो जाता है, अभी दो तीन दिन से अधिक रोता है। तीन साल का बच्चा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी जी डॉक्टर, अचानक से रो रहा है, ज्यादा रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है कि किसी नहीं हो रहा है। और तो उसमें सबसे पहले हमें ये तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं उसको फीवर तो नहीं है। अगर बच्चे को फीवर है, 100 भी फीवर है तो बच्चे में इस तरह से चिड़चिड़ापन या रोना उस बच्चे को रहता है। साथ में अगर कोई और सांस की दिक्कत है, अगर ये सब दिक्कतें नहीं है, फीवर भी नहीं है, फिर भी रो रहा है तो आपको उसका थोड़ा सा पेट की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कहीं बच्चे को किस तरह का कोलिक पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है या कोई बच्चे में कोई कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है या कोई लूज मोशन तो नहीं लगे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि बच्चा रो रहा है तो फिर हमें कई बार उसका बच्चे का जो है एग्जामिनेशन करके, कई बार ईयर इन्फेक्शन की वजह से बच्चे बहुत रोते हैं, ऐसे मौसम में ईयर इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं रोने के, लेकिन सिर्फ रोने के साथ साथ बच्चे का इनटेक कैसा है, बच्चे का खाना पीना कैसा है, और कई बार सिर्फ दिन में तो ठीक रहते हैं बच्चे, सिर्फ रात में रो रहे हैं तो उस समय बच्चा कई बार हंगर पेन से बच्चे रोते हैं, हंगर पेन है और बच्चा और उसकी वजह से बच्चा जो है ना भूखा है और रो रो के बता रहा है, वो आपको बता नहीं पाएगा। तो या ड्रीमिंग सीक्वेंस में बच्चे रो जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर आपको डर जाते हैं, दे आर वेरी मच प्रोन टू रो, दे डोंट फील सेफ, वो ना इसलिए भी बहुत ज्यादा रोते हैं। ठीक है, इसमें रोने से अभी हाँ ये सिम्टम हमें वो सामने देखने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। और आसिफ आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सुशील, एक चीज़ और अगर आप बता सकें डॉक्टर शिशिर, तो हमें ये भी बताएं कि किस तरीके से बच्चों के जो लक्षण जिस पर अभी डॉक्टर ललित भी बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमारे सामने इन दिनों में आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो माता पिता पहली नज़र में ये देख करके उसे कोई दवा ना दे दें खुद से ही कि भाई कुछ अगर उसको खांसी जुकाम जैसा लग रहा है तो खुद से ही कोई दवा दे दी उसको, उसकी क्वांटिटी कितनी हो या कौन सी, ये इस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं जैसा हम देखते हैं, तो इस पर आप हमें कुछ बताएं डॉक्टर शिशिर। देखिए ऐसा है, बच्चों की दवाइयाँ जब भी हम देते हैं वो हम हमेशा वेट देख के देते हैं, बच्चे का वेट के अकॉर्डिंगली ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, हर एक का मिलीग्राम पर किलोग्राम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे अपने आप इलाज करना वो तो हम सलाह वैसे ही नहीं देते,
आपको छोटा मोटा अगर ऑन द काउंटर ड्रग्स अगर है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, कोल्ड के लिए कुछ हो गया, वो आप जनरली दे देते हैं, बट हमेशा आपको ध्यान रखना है हर एक बीमारी, जैसे कि खांसी जुकाम है, उसके भीषण लक्षणों में जैसे आता है सांस तेज से चलना, ठीक है, बुखार 100 से ज्यादा आना, बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत, ये सारे के सारे, जैसे डेंगू में हो गया, उसमें बच्चे के कलर चेंजेस आने लगते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, बच्चा वीक हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, हाइड्रेशन में इशू होंगे, तो ये सारे के सारे खतरनाक लक्षण हैं, जो कि अगर पेरेंट्स को दिखाई देते हैं तो उनको अपने आप से इलाज कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, और जो भी पास में जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको जाके कंसल्ट करना जरूरी है। नॉर्मल तौर पे अगर आप देखो तो एक रेगुलर प्रिकॉशंस जो कि आप ऑलरेडी अपने प्रोग्राम के थ्रू दिखा ही रहे हो, हाथ धोना, खाना अच्छे से, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, टाइम पे अपना ध्यान रखना, नहलाना बच्चे को कोसे पानी से, कपड़े वेदर के अकॉर्डिंग भी पहनना, जैसे आपका दस्ताने हो गए, मोजे हो गए, कैप हो गई, वो सब करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और जिसका अभी एक दर्शक भी पूछ रहे थे कि बच्चा अचानक रो रहा है और कई बार और ज़्यादा ही पिछले कुछ दिन से हो रहा है, ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर ललित भी कह रहे थे कि हो सकता है कि पेट दर्द बच्चे को होता है, वो बच्चा बता नहीं पाता है उसे आखिर हो क्या रहा है या क्या समस्या है, तो कई बार बच्चे अचानक खेलते खेलते भी डॉक्टर साहब और हंसते खेलते हैं तब भी पेट दर्द की अगर शिकायत करने लगें और कुछ देर बैठ जाएं कि पेट दर्द हो रहा है और उसके बाद फिर दोबारा खेल में लगे हैं या खाना पीना भी नहीं छूट रहा है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन अचानक पेट दर्द की शिकायत करना बीच बीच में, ऐसी कुछ समस्याएं भी अक्सर आती हैं बच्चों के साथ? नहीं, बिल्कुल जरूर आती हैं। देखिए, पेट दर्द अगर आप ऐसे लेंगे तो एक बहुत बहुत ही ब्रॉड टर्म है, कम से कम 100 रीजंस निकल सकते हैं पेट दर्द होने जी, के जी, जी। बट मोटे मोटे तौर पे अगर हम दर्शकों को हम बताना चाहें तो अगर कोई पेट दर्द से बच्चा 2 घंटे से ज्यादा परेशान रहता है, 2 घंटा टाइम अगर वो परेशान रहता है, कंटिन्यूअसली रोता रहता है, या बच्चा सोने के बाद रात को उठ के बैठ जाता है और पेट में दर्द बोलता है, तो फिर आपको मान के चलना चाहिए कि उसका पेट दर्द का कारण कुछ बड़ा है, छोटा कारण नहीं है जी। अगर उससे कम समय के लिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए उसने पेट दर्द की शिकायत की कि पेट दुख रहा है और कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ देर के बाद वो नॉर्मल होकर फिर खेलने लग जाता है और फिर वो नॉर्मल, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात किसी माता पिता के लिए होनी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 5-10 मिनट के लिए बच्चे, आप 100 की ओपीडी अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो 100 की ओपीडी में आप 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो नाभि के चारों तरफ दर्द की शिकायत करते हैं, उसके 90-95% सारी इन्वेस्टिगेशन करने पे भी नॉर्मल आता है, इसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, आरएपी करके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसका जनरली कोई फंक्शनल एब्डोमिनल पेन होता है, कारण कोई निकल के नहीं आता है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और बच्चा, मतलब पेरेंट्स को समझाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काउंसलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जनरली बच्चों में ऐसा भी होता है जैसे स्कूल जाने के टाइम पे बच्चे पेट से पेट दर्द की शिकायत करते हैं सोच के कि कुछ बच जाए स्कूल जाने से, या फिर कोई टीचर ऐसा ना मिल जाए, जो ये कारण रहता है। अगर कोई सीवियर कारण रहेगा, कोई भयंकर रहेगा, तो उस कारण में बच्चे कॉन्टिन्यूसली आपको शो करेंगे कि उनको कोई दिक्कत हो रही है, बॉडी पोस्ट उनके फेस से आपको पता चल जाएगा, पेन हो रहा है उनके फेस पे, एक्सप्रेशन आ जाएंगे उनके, उनका जो पोस्चर होगा, जो बैठ के पेट पकड़ना, झुकना, टांगे मोड़ना, वो सब आपको पता चलेगा, और अगर बच्चा सो चुका है ऑलरेडी तो सो के उठ के बच्चा अगर पेट दर्द बोलता है तो उसको आप डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी 100% जरूरी होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जुड़े रहें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को लेकर माता पिता जिस कदर परेशान होते हैं और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक परेशानियां बढ़ती चली, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों की अगर बात करें तो वो कुछ अपने मुंह से सारी चीज़ें बता नहीं पाते कि वो उनको तकलीफ क्या है। इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, गौरव। गौरव, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 2.5 साल का है, अब वो सोते टाइम मतलब बाथरूम नॉर्मली करता है, लेकिन सोते टाइम उसका थोड़ा थोड़ा बाथरूम टपकता रहता है। अच्छा, और क्या कहते हैं, हाँ, और उसमें मतलब इचिंग बहुत होती है, हर बार उसे मतलब मसलता रहता है। अच्छा, तो इस 2.5 साल का बच्चा है आपका,
नीचे से मसलता रहता है और उसका यूरिन ड्रिबल करता रहता है, निकलता रहता है, करेक्ट? जी जी जी। तो इसमें इसमें दो तीन चीजें हैं, नॉर्मल जाते हैं लेकिन फिर ये जब सोता है ना, जब ऐसा होता है, जैसे खेल रहा होता है, जग रहा होता है, जब नहीं होता। अच्छा ठीक है, सोने के बाद पेशाब बिस्तर में भी करता है क्या? नहीं, बिस्तर में नहीं करता पेशाब। ओके ठीक है। एक नॉर्मली जो हमारा जो एक एज क्राइटेरिया होता है वो 5 साल तक के बच्चों का यूरिन कॉन्टिनेंस को हम ठीक से नहीं मतलब मानते नहीं है। अगर 5 साल से बच्चा अगर छोटा रहेगा तो वो पेशाब बिस्तर में पैंट में अगर कर देता है तो हम उसको कोई उसका वर्कअप नहीं कराते अंटिल अनलेस सिम्टम्स हो, जैसे कि फीवर आना, बच्चे को पेशाब बार बार आना, जैसे बुखार बहुत तेज आना 100 से ज्यादा, तो वैसे कारणों से बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, हम उसके लिए वर्कअप कराते हैं। बट लड़कों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे ही लड़कियों के मुकाबले कम होता है, बिकॉज उनका जो पैसेज के लिए जो यूरेथ्रा होता है वो लंबा होता है, फीमेल्स में वो कम होता है। दूसरी बात रही वो जो मसलने वाली आपने बात बोली, तो इस उम्र के बच्चे 2 से 4 1 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं वो इसको नॉर्मल उसमें भी ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग के तौर पे भी बच्चे करते हैं वैसे, तो हर बार ऐसा मान नहीं सकते कि बच्चा अगर नीचे से छू रहा है तो वो कोई बीमारी के लक्षण है, जरूरी नहीं है। बट इसमें आप जाके डॉक्टर को एक बार फिर भी दिखा सकते हैं। बट अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब निकल रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5 साल तक आप वेट कर सकते हो जब तक कोई और सिम्टम आपको नहीं मिल रहे। बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों को मिल रही हैं। आप हमें फोन करके अपनी बात, अपना कोई सवाल, अपनी कोई राय आप डॉक्टर साहब से लेना चाहते हैं तो डॉक्टर ललित और डॉक्टर शिशिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ललित, एक चीज़ और हम जाने तो, क्योंकि ये आज के समय में, ये पिछले कुछ सालों से, करीब एक दशक से अगर हम देखें तो पॉल्यूशन और ख़ासतौर पर इन दिनों में होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और अब इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इसके वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ, बड़ों को तो होती ही हैं लेकिन बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन उल्टा हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों में सिम्टम्स कम है, बड़ों में ज़्यादा हैं। तो बच्चों में क्या ये मान करके चले कि आज तो बच्चे इस हवा में जो सांस ले रहे हैं तो उनके लंग्स कैपेसिटी जो है वो आने वाले समय में उतनी नहीं रहेगी अमूमन जितना कोई आज के समय जो साफ हवा में सांस ले रहा है उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाएगा आने वाले कुछ साल में, तो ये कितना इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर, अगर आप कुछ बता सके। देखिए बेसिकली जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ऐसा है कि दोनों तो ये सभी को कर रहा है, छोटे बच्चों को भी कर रहा है, बड़ों को भी कर रहा है। जी, जहाँ तक से बच्चों को कम अफेक्ट करने का सवाल ये है कि वो जिनका आउटडोर एक्टिविटी कम, मतलब बाहर पॉल्यूटेड एरिया में ट्रैफिक में अगर वो कम है, उसमें घर पे ज्यादा है और उनका जो एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा इश्यू है कंपेरेटिवली वर्किंग प्लेस में जहाँ बड़े लोगों का ज्यादा रहता है उससे कम है, तो वो थोड़ा सा उनको ये है कि आप कह सकते हैं कि उनको कम अफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को कम अफेक्ट आएगा। धीरे धीरे ये चीजें बच्चों को भी इफेक्ट डाल रही है, बच्चों को भी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ों को भी हो रही है, और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बड़ों की उनमें ओ रीजन भी बन जाते हैं जो आप कह रहे हैं कि बड़ों में ज्यादा होती है, उनके उनके अपना और जो लाइफ स्टाइल है और उनका जो स्मोकिंग का है और ये और जो फैक्टर्स हैं वो चीज को एग्रेवेट कर देते हैं। जी, लेकिन ये है कि ये बेसिकली जो ये पोल्यूशन से रिलेटेड जो बच्चों में थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, ये एक तरह का ऐसे तो ये इसको हम रिवर्सिबल डिसऑर्डर बोलते हैं, रिवर्सिबल, जैसे आप उस एलर्जन से बाहर जाएंगे, आपकी जो लंग्स, जो आपके ह्यूमन्स है, जो ब्रोंकाइज है, उनके जो एयरवेज की जो ह्यूमन्स है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर वो एलर्जन बनते रहेंगे तो उसमें धीरे धीरे वो बच्चों को भी अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन बड़ों को भी इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना कि वो बच्चों को कम इफेक्ट कर रहे हैं। आप डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द एक्सपोजर, एक्सपोजर कितना है, किस लेवल का और कितने लंबे टाइम तक एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, लगातार रहेगा, तो बच्चों को भी हमें इन चीजों से राहत पाने के लिए बच्चों को भी हमें कई बार पड़ जाते हैं, जैसे बड़े लोग इनहेलर लेते हैं, छोटे बच्चों को भी हमें इसी तरह से इनहेलर देने पड़ते हैं, जो बच्चे क्रोनिक एयरवे डिजीज में या लगातार जिनको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो ये दोनों कैटेगरी को ही अफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर शिशिर,
अगर बात करें क्योंकि आज के समय बच्चों का एक तो हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट भी अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि बच्चों की आंखें जो हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, उसकी उसकी वजह बताई गई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा एक्सेस में करना और लेट कर करना या एक ऐसे पोस्चर में करना जो सही नहीं है बच्चे के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए भी वो बिल्कुल सही नहीं है। और मेंटल हेल्थ के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स अब पता चल रहे हैं बच्चों में, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं एंग्जाइटी उनमें बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखा जा रहा है अगर स्टडीज़ की बात की जाए? जी फिजिकली इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। आजकल के बच्चे मल्टीमीडिया मोबाइल अपने हाथ में रखकर सारे दिन कार्टून कभी तो वो सब की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल तौर पे ही रिड्यूस होते जा रहे हैं। उसके कारण फिर बच्चों में अर्ली एजेस में ओबेसिटी, अर्ली एजेस में एक्सरसाइज में कोई इधर उधर लोगों से बात करना, एक्चुअली बात भी डिले हो जाती है, बच्चे देर से बोलना सीख रहे हैं, वेट इंक्रीज होना, मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन, आईज पे जो इफेक्ट पड़ता है मोबाइल का डायरेक्टली वो जो रिकमेंडेशन है वो तो एक घंटे की है, बट वो आजकल क्या हो रहा है सब माँ बाप दो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग तो पीछे से क्या करेंगे, बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं, उस वजह से दिक्कतें हो रही है। डेफिनेटली हमें सबको मैसेज देने के तौर पे यही बोलना चाहिए कि एक घंटे से ज्यादा 10 साल के बच्चों को मोबाइल नहीं देना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल और सारे के सारे लॉसेस हैं, ADHD कितनी बीमारियां हैं जो कि एसोसिएटेड हो रही है। और इसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब एक बहुत बेसिक सा सिम्टम है क्योंकि अक्सर बच्चों में कम से कम ये कभी नहीं देखा जाता था कि उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, अब छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे वो कहते हैं कि सिर दर्द उनको जो है वो हो रहा है और वो जेन्युइनली वो बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम है सिर दर्द की, तो क्या ये उसके पीछे मोबाइल यूज बहुत ज़्यादा एक्सेस होना ये सबसे बड़ा रीज़न है? जी जैसे डेफिनेटली वो एक कारण हो सकता है, बिकॉज कभी भी हेडेक के लिए हम वर्कअप करते हैं तो हेडेक में सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि आईएस इफेक्ट तो नहीं हो रही, आईएस का डायरेक्टली रिलेशन होता है हेडेक से बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, उसके अलावा कोई ENT कॉज है या कोई CNS कॉज है, आप अगर मोटे तौर पे ले तो मोबाइल से हर एक चीज इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर ललित एक चीज अगर आप हमें इस पे बताएं कि बच्चों को लेकर माता पिता तो निश्चित तौर पर छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा समस्याएं रहती हैं जिसका भी हम जिक्र अभी पूरी डिस्कशन में कर भी रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि बच्चे शायद बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते माता पिता को कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है या कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, जैसा एक कमर दर्शक ने बताया कि बच्चा रोता ही रहता है, बता नहीं पा रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है या समझा नहीं पा रहा है अपने माता पिता को, तो ऐसी और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती होंगी और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होंगे जहां बच्चा या तो रोता ही रहता है या गुमसुम हो जाता है या कुछ बोलता नहीं है चीजों को या बता नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी माता पिता का कोई बच्चा अगर ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो उनको सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों के साथ फिर बच्चे के साथ किस तरीके से वो पेश आए ताकि बच्चा जो है वो बता सके उन्हें समस्या को? और हल्का फुल्का अगर आप पूछेंगे तो वो आपको कुछ बता पाएगा, दैट डिपेंड्स कि अब आप किस कैटेगरी के बच्चे से आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपके पास इन्फेंट है 1 साल का बच्चा है तो हम लोग ज्यादातर सिम्टम और साइंस से ही हम लोग बिलीव करते हैं कि बच्चे में क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या साइंस आ रहे हैं। इसी तरह से 2 to 5 years के बच्चे हैं तो आप वैसे बच्चा ठीक है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि एब्डोमिनल पेन को लेकर जैसे बहुत बच्चे सुबह सुबह उठ के नाभि के चारों तरफ पेन बताते हैं एंड 95% केसेस में वो नॉर्मल वो नॉर्मल ही मिलता है। और जहाँ तक बच्चे हैं कि आपको ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि बच्चे जो है आप बड़ा है जैसे 5 years से लेकर 10 years के बच्चे हैं और आप ये देख रहे हैं कि बच्चा गुमसुम है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रहा है, तो इसमें हमने थोड़ा सा जो है ना उसके बच्चे को लेके उसके साथ समय बिताना पड़ेगा और बच्चे को जाके उसके साथ ही वो कहीं बाहर जा रहा है, कहाँ वो ऑपरेटिंग है, क्या वो स्कूल में किससे मिल रहा है और बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, और वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बच्चे पर आप ऐसा देखते हैं कि कोई बच्चा है आप
आप आई कॉन्टेक्ट नहीं करता है और गुमसुम रहता है, तो ऑटिज्म वगैरह के लिए भी हमें थोड़ा सा कई बार देखना पड़ता है, ऑटिज्म या बच्चों में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसे बच्चों को बेसिकली ऐसे टिपिकल जो बच्चे होते हैं इनमें आपके बच्चे की एक्टिविटी से ही आप एक सस्पिशन पैदा करते हैं, एंड इसके लिए कोई ऐसा कोई टिपिकल ब्लड टेस्ट नहीं होता है, उसके लिए कोई क्वेश्चनेयर होते हैं के थ्रू आप ये जान पाते हैं कि बच्चा की ऑटिज्म की तरफ से नहीं जा रहा है, या कई बार बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम मिलता है कि एक चीज कर रहे हैं उसी टाइम दूसरी चीज कर रहे हैं, कहीं पे 15 मिनट भी वो एक जगह पे नहीं बैठ सकते, चाहे आप उनको मोबाइल दे दें या उनको कोई एक पिक्चर दिखा दें, वो उनको भी नहीं देख 15 मिनट तक भी उनको देखते हैं, यू आर ऑलवेज एक बार एक चीज क्यों करेगी, तो वो अटेंशन डेफिसिट वाले कुछ बच्चे हैं, तो ये इस तरह की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चों में जो जो उनको बच्चों को गर्व करके हमें पता चलती है, तो इसके लिए कुछ कुछ फार्माकोथेरेपी भी है, साइकोथेरेपी भी है, बिहेवियरल थेरेपी भी है इन सब चीजों के लिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के माता पिता अगर अपने बच्चों पर उस तरीके से ध्यान दें, उनके एक्टिविटीज पे, उनके किस तरीके से बिहेवियर चेंज, बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आखिर में बारी बारी से बहुत संक्षेप में डॉक्टर शशिर आपसे शुरुआत कर रहे हैं, अब क्योंकि कोविड काल है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी और ये बढ़ सकता है, इसे गया हुआ ना समझा जाए कि कोविड अब खत्म हो गया, ऐसा ना समझा जाए, ये दोबारा से फिर हमारे सामने आ सकता है। कई जगहों पर स्कूल खुल गए हैं, कई जगहों पर अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं, लोग अभी चाहते नहीं कि बच्चे जाएं, लेकिन आने वाले समय में 2 महीने या 6 महीने के बाद बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो छोटे बच्चों को हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अपनाएं या उसका स्ट्रिक्टली फॉलो उसको करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, 3-4 साल 5 साल के बच्चे वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में माता पिता किस तरीके से ध्यान रखें कि उनका बच्चा जो अगर बाहर जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो इस तरीके से कोविड जैसे किसी वायरस की चपेट में वो ना आए, और अगर आता भी है तो वो कैसे उसको समय रहते जो उसकी पहचान कर सके। जरूरी है कि वो अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करें, अगर अगर थोड़ा 5 साल के आसपास वाले बच्चे रहते जो स्कूल जाते हैं उनको ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, दूसरे बच्चे को अगर जुकाम खांसी है उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आना, लाइन बना के डिस्टेंस एप्रोप्रिएट मेंटेन करना, छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़े से बड़े बच्चों को समझाई जा सकती है, और माँ बाप अगर ठीक से समझाएंगे तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा उतना अच्छा मतलब डिफिकल्ट होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन। साथ में कि जो टीचर्स हैं उनको वो तो आपको बच्चों को करेंगे ही जैसे भी कर सकते हैं, बट पर्सनल प्रिकॉशंस जो मदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, वैक्सीनेशन इज अनदर ऑप्शन फॉर बेबी, वो कराना टाइमली, और बाकी स्कूल ना जाना किसी चीज के डर से वो तो मैं बोलूंगा आंसर नहीं है, स्कूल लेटर अभी थर्ड वेव के हम सब वेट कर रहे थे जो नहीं है ये अच्छा है और हम चाह रहे हैं कि ना ही आए तो अच्छा। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि अगर सभी लोग ध्यान रखेंगे तो शायद ये ना ही आए और बेहतर हम सबके लिए भी है। डॉक्टर ललित, संक्षेप में आखिरी केवल 15 सेकंड में अगर आप हमें बता सके कि ऐसे में अब जब बच्चों को हम बाहर भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे या बाहर जब, हालांकि पार्क्स वगैरह में बच्चे जाते ही हैं उसके बगैर मानते भी नहीं हैं, तो स्कूल में जब जाना शुरू होंगे तो कैसे, किन चीज़ों का खासतौर पर हम सबसे पहले ध्यान रखें? ज्यादातर टीचर्स ने स्कूल में उन्होंने इतना सब उन्होंने आप देखेंगे नोटिस बोर्ड पे हर जिला उन्होंने इतना लोगों को बच्चों को इतना ज्यादा सैनिटाइज कर दिया है, मैं कहूंगा कि बड़ों से ज्यादा बच्चे जो है ना अपने मास्क प्रॉपर भी लगा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कर रहे हैं, एंड दे आर मतलब उन्होंने जो जब से देखिए 2 साल से बच्चों ने इस चीज को इतने अच्छे से सीख लिया है और बहुत और वो अब बच्चे दूसरे को इमिटेट बहुत ज्यादा करते हैं, आपने देखा कि अगर चारों बच्चों ने मास्क लगाया हुआ है तो वो बाकी भी मास्क लगाते हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, खाने से पहले हैंड वॉश कर रहे हैं, और बाकी जो पेरेंट्स और टीचर्स उनको समय समय पर जो है गाइड करते रहते हैं कि आपने क्राउडिंग में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा एक दिन आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और ये सारी चीजें को आई थिंक ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये बड़ों से ज्यादा बच्चों को अच्छा ज्यादा अच्छे से वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, एंड ठीक है आपको बच्चे में बस आपको अपने सिम्टम्स देखने हैं, अगर थोड़ा सा भी सिम्टम ऐसा लगता है तो ये है कि स्कूल वालों को भी प्रेशराइज नहीं करना है और पेरेंट्स को भी
कि ऐसे में आप बच्चे को घर पे रखें, चाहे वो चाहे नॉर्मल फ्लू निकले, आप उसको 2 से 3 दिन घर पे रेस्ट कराएं ताकि वो अगर कुछ और है तो वो प्रॉपर इफेक्ट ना करें। अब बात सिर्फ कोविड की नहीं है, अदरवाइज ये अगर बच्चे को किसी को इलनेस नहीं होता तो बहुत जल्दी स्प्रेड और बच्चों में भी हो रहा है, आप घर पे उसको रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ललित, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिशिर, आप दोनों आप हमारे साथ जुड़े इस बेहद खास कार्यक्रम में, आपने अपनी बात इसमें रखी। तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के बात ये है कि अपने बच्चों का हम ध्यान रखें, कुछ भी सिम्टम्स उनको दिखते हैं तो खुद से ही डॉक्टर जैसा बिहेव न करते हुए उन्हें दवाइयां न दें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो उनको वैसे ही आराम करने दें और घर पर आप उनको समय दें, उनके बिहेवियर पर खास तौर पर नज़र बना करके रखें। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बच्चे सुरक्षित होंगे तो कल सुरक्षित होगा और देश खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।